हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस वर्सेस बीएएमएस कौन सा कोर्स बेहतर है, इस पे हम लोग बात करेंगे पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो एमबीबीएस वर्सेस बीएएमएस की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। नंबर वन बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 4.5 साल + 1 ईयर होती है दोनों कोर्सेस का। यहाँ पर आपको इंटर्नशिप जो करना पड़ता है वो सिर्फ मॉडर्न सब्जेक्ट में करना होता है, 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। लेकिन यहाँ पर आपको 6 महीने मॉडर्न की और 6 महीने आयुर्वेद की इंटर्नशिप करनी होती है। सिलेबस की बात करें तो सिर्फ मॉडर्न सब्जेक्ट होगा, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, गाइनी, पीडिया और जनरल मेडिसिन और फॉरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा जो मॉडर्न एमबीबीएस की पूरी सिलेबस प्लस आयुर्वेद की अलग से सिलेबस होगी, जिसमें अष्टांग हृदय, चरक संहिता, अगर तंत्र और रचना शरीर, क्रिया शरीर और उसके अलावा आपका जो होगा भैषज कल्पना, रस शास्त्र और कई सारे सब्जेक्ट आपके होंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन की बात करें तो टोटल 9 एग्जामिनेशन आपके होते हैं, सेमेस्टर प्लस यूनिवर्सिटी एग्जाम मिला करके। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होती है टोटल 36 एग्जाम होती है, यूनिवर्सिटी इंटरनल, पीए वगैरह सब मिला करके टोटल 36 एग्जामिनेशन आपको देने होते हैं, ठीक है, एनसीआईसीएम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको संस्कृत नहीं पढ़ना होता है एमबीबीएस में, आयुर्वेद में आपको संस्कृत पढ़ना होता है। एग्जिट टेस्ट आपको दोनों में देना होगा, आयुर्वेद में भी देना होगा और मॉडर्न में भी देना होगा, यानी एमबीबीएस करते हो तो भी देना होगा। पीजी जो है एमबीबीएस में 18 ब्रांच में होती है, आयुर्वेद में 16 ब्रांच में पीजी होती है। स्टाइपेंड की बात करें पीजी स्टाइपेंड की, तो आपको यहाँ पर 30,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक मिलती है। यहाँ पर जो है यहाँ भी 30,000 से 1,00,000 रुपए तक होती है, लेकिन अगर एमबीबीएस इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड है वो 12,000 से लेकर 30,000 तक के होती है। लेकिन यहाँ पर जो इंटर्नशिप में स्टाइपेंड जो होती है वो 9,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के अराउंड मिलती है, ठीक है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो यहाँ पर अगर ग्राउंड लेवल जो प्राइवेट क्लिनिक की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो 25,000 से 40,000 रुपए तक एमबीबीएस की सैलरी होती है, बीएमएस की 25,000 से 30,000 रुपए तक होती है। यहाँ पर कई जगह पे लोकेशन के हिसाब से 50,000 रुपए भी सैलरी आपको मिल जाती है। सोशल एंड सोसाइटी में एमबीबीएस की रिस्पेक्ट लोग ज्यादा करते हैं, आयुर्वेद की रिस्पेक्ट कम करते हैं, ठीक है। पीजी की बात करें तो पीजी आपको एमबीबीएस करने के बाद करना ही होगा, बिना पीजी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर भी आप धीरे धीरे लोग डिमांड करने लगे बिना पीजी वाले, उसे बीएमएस में भी नहीं दिखाते हैं। गवर्नमेंट वैकेंसी जो है एमबीबीएस वाले का ज्यादा आता है, आयुर्वेद वाले का गवर्नमेंट वैकेंसी कम आता है। पेशेंट फॉलो की बात करें तो एमबीबीएस वाले के पास पेशेंट फॉलो थोड़ा ज्यादा रहता है, आयुर्वेद वाले के पास पेशेंट फॉलो कम रहता है। इनको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है पेशेंट जुटाने के लिए, एमबीबीएस वाले को कम मेहनत करना पड़ता है। कॉलेज फी की बात करें तो 5,000 से 50,000 रुपए गवर्नमेंट की फीस होती है, यहाँ पर 1,000 रुपए से भी लेकर 40,000 रुपए तक की फीस रहती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें तो 70,00,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की यहाँ पर 10,000 से 20,00,000 रुपए तक की फीस होती है। डिमांड टू प्रैक्टिस, अगर यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने के लिए तो एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन आयुर्वेद वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एलोपैथिक और आयुर्वेद दोनों प्रैक्टिस करने की योग्यता होती है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल होती है वहाँ पर जो एज ए ड्यूटी डॉक्टर्स के तौर पे एलोपैथिक डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले भी आयुर्वेद वाले को अपॉइंट करते हैं। कोर्स की बात करें तो लेस ग्रोइंग कोर्स, अभी ये डिमांडिंग जो है एमबीबीएस की जो ग्रोइंग है, मार्केट ग्रोइंग कम हुई है, इसके कंपेरिजन में इसकी जो ग्रोइंग जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है सबसे बेटर चीजें थी यहाँ पर, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो कोर्सेस आप ले रहे हैं उसमें कहाँ पे क्या डिमांडिंग है, ठीक है। अगर सोसाइटी में अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो आप बीएमएस कोर्स ले सकते हो, ये बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है दोस्तों, लेकिन मेहनत आपको बहुत करना होगा। एमबीबीएस की तुलना में डबल मेहनत आपको बीएमएस में आकर करना होगा। अगर आप लोग अवेयर नहीं है तो इस चीज को जान लीजिए कि आपको बहुत मेहनत करना होगा, लेकिन अगर ईमानदारी से आप पढ़ लोगे तो एमबीबीएस से ज्यादा पैसे कमाओगे, ज्यादा बेहतर डॉक्टर बन पाओगे दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।